और उसके बाद फिर ना काफी देर तक वो किस करते हैं, बिल्कुल हाफ आवर तक, मीन्स वो थोड़ी देर बाद एक दूसरे को छोड़ते हैं, फिर हल्की सी सांस लेते हैं, उसके बाद फिर से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना ना बहुत ज्यादा उनके इंटेंस किस चलती है। उसके बाद फिर जो जीवन था वो ना वो कहते हैं कि बस हस्बैंड मुझे बस घर चले, मुझे अब आपका होना है हर लीगली ऑफिशियली हर चीज हर तरह से। तो फिर जो यूँ कहते वो कहते हैं अब इस तरह नहीं, अगर तुम मान गए इतनी आसानी से मान गए तो हमारी एक ऑफिशियल वेडिंग होगी जो बहुत ज़्यादा ना अच्छे से होगी। तो फिर जो जीवन होते वो कहते हैं ये तुम सच में चाहते हो कि हमारी मैरिज सबको पता चले? कहते हाँ, मैं कोई शादी करूँ, कोई गुना या कोई चोरी या फिर कोई क्राइम नहीं के मैं छुपा के रहूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन को हर वो खुशी मिले जो वो डिजर्व करता है। मैं चाहता हूँ वो अपनी वेडिंग पे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और अपने ना हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ना अराउजल फील कराए। तो फिर ना ये सुन के जीवन का फेस रेड हो जाता, कहते कि ना बेशरम। तो फिर ना जो जीवन के ना स्माइल कहता था और कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी, ये बोलते हैं उसको ना किस करना स्टार्ट कर देते। तो रुपए बहुत पैशनेट किस करते हैं और अब हम देखते हैं ना 2 डेज बाद उसी जॉब पे जो जीवन होता है उसने ना फुल वाइट कोट पहना होता है, फुल वाइट सूट पहना होता है, बहुत 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 ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। उसके सामने ना योगी खड़ा होता है जिसने ना पहना हुआ था ब्लैक में, और वो बहुत ज़्यादा ही वो भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, और वो दोनों बिल्कुल ऐसे इतना चांद सितारे की जोड़ी लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे वो दोनों, मीन्स के ना। और वहाँ पे ना बाकी सब बिखड़े थे और बाकी मीडिया पे बहुत ज़्यादा ना उनकी क्लैप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे उनके लिए। और ना फाइनली जिमिन और योंगी की शादी हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। और फिर जो योंगी होता है वो कहते हैं ना वाइफ में तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तो मैंने जो जीवन होता है स्माइल के तरफ कहते मैं भी तुम अच्छे से अपने नए हस्बैंड की ड्यूटीज़ को निभाऊंगा। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहते हैं माई लिटिल वाइफी की ड्यूटीज़, तो वो इस तरह बोलते हो। तो फिर ना जो जीवन होता है वो चकल करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ वही बस ना बोलते। और फिर ना दोनों की ना बहुत स्वीट टॉक्स होती हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वेडिंग नाइट ऐसी जा मेरा जो योगी था वो ना काफ़ी ज़्यादा रफ जा रहा था, योगी ना जीवन के साथ जा रहा था क्यों, और ना सारे जो लास्ट 2 डेज तक वो मिल नहीं सके थे क्योंकि मैरिज के प्रिपरेशन हो रहे थे, तो उसकी वजह से नहीं मिल सके थे। और तो अब उसी ये तो सारी फ्रस्ट्रेशन रहा था, बट अब इसकी रफनेस की ना जिमी को आदत हो गई थी। और इवन के उसको ना जूंगी की नहीं बल्कि जूंगी की ना रफनेस की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, उसको ना रफ ही अच्छा लग रहा था। तो वो ना जिमी मोस्ट ऑफ द टाइम अब जूंगी के साथ ही रहता, मीन्स उन्होंने फर्स्ट अपना ना 1 मंथ फुल अपना ना हनीमून पीरियड में गुजारते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ना जिमिन ना स्टार्टिंग से ना अभी वो नहीं करना चाहता था, मींस अभी वो नहीं चाहता था कि अभी भी उसके ना वो मींस वो प्रेग्नेंट हो, बिकॉज उसको अपना करियर परस्यू करना था। बट फॉर्चुनेटली या फिर कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली वो प्रेग्नेंट हो जाता है ना मैरिज के इतने 2 मंथ्स बाद। बट ना जो जीवन होता है वो ये सोचते कि ना ये बर्डन ना, बट नहीं मेरा योगी मेरा अच्छे से ख्याल रख सकता है, मैं हर चीज़ को अच्छे से परस्यू कर सकता हूँ, और ये हमारे लव का सिंबल है और इसको मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ना योगी को ना ऐसा गिल्टी फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि ना उसने ना जीवन से जो प्रोमिस किया था कि वो जीवन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, बट इस चाइल्ड के आने से ना वो हो गया। और फिर ना वो ना जीवन किसी लिए ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते, बिकॉज फर्स्ट तो काफ़ी अच्छे से ना उनकी लाइफ जा रही थी, बिकॉज वो अच्छे से कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ जा रही थी। तो बीच में जब वो ना 2 मंथ्स का हुआ था तो ना वहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट आया था जूही के लिए, जो उसको ना कपल शूट होना था, जहाँ जूही कपल शूट के लिए बुलाया गया था। और जो जूंगी मैं आपको पहले बता दूँ, और जो जिमिन के ना डायरेक्टर थे जो जिन्होंने जूंगी के सब जिमिन के सब मिसबिहेव किया रहा था, वो एक्चुअली अब ना उसके पास थे पुलिस के पास, तो वो सब कंफ्यूज ना हो के ना वो कहाँ गया। तो इस
तो ना कभी शूट के लिए था, और मैं ना वहाँ एक मॉडल को बुलाया जाता है जो एक ना मेल मॉडल ही था, मतलब मींस ना एक बीएल स्टोरी के लिए ना वो कर रहे थे, मॉडलिंग करा रहे थे, और ना वो मैगजीन्स के लिए ना शूटिंग हो रही थी। तो फिर ना जो झूमे था वो जब उस मॉडल की तरफ देखते तो ना बहुत अजीब सा फेस बनाता, और फिर कहते मॉडल मैं खुद लेंगे आप बस ना शूटिंग की तैयारी करो। तो फिर ना बाकी सब मान जाते, बिकॉज यूंगी को बनाना बहुत तो मुश्किल काम था, और इस टाइम वो मान गया था तो वो उनके लिए तो जैसे ब्लेसिंग थी। तो ना नेक्स्ट डे ना सुबह ना सब ना मॉडल का इंतजार करते थे, वहाँ कोई और नहीं हमारा जिमरा था जो ना एक तो प्रेगनेंट था, और उसकी ना उसका मैरिज को ना 4 मंथ्स हो गए थे, और वो बहुत ज़्यादा चबी क्यूट सा हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा ना फर्जाइल सा भी था, बट वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो गया था, और वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। तो सब उसको बस देख रहे थे, और जो यंग गया था वो कहते हैं ना मेरा मॉडल आ गया, इवन कि मेरे हस्बैंड, तो अब हम शूट स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर ना उसके बाद फिर उनको बहुत वो ना एक थोड़ा सा इस तरह का था, थोड़ा सा अल्टीमेट टचिज वाला थोड़ा इस तरह करके था शूट, बट वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, और जो यूं गया था वो स्माइल के था। और फिर उसके बाद फिर हम ऑन गेरा मैगजीन शब्द है जिसमें लिखा होता है यूनमिन कपल, तो बेस्ट यूनमिन कपल इतना लिखा होता है तो काफ़ी ज़्यादा ना उनकी चर्चा होने लगती है। उसके बाद फिर काफ़ी अच्छे से उनकी लाइफ सेटल हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद जो यूंगे जिमिन होता है वो ना ट्विन बेबी उसको ना जन्म बिल्कुल वो देते बर्थ देते, एक ना बेबी बॉय होती है, एक एक बेबी बॉय होता है, एक बेबी गर्ल होती है, और दोनों बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल जो बेबी बॉय था वो तो बिल्कुल जिमिन की कॉपी था, और जो ना बेबी गर्ल थी वो तो बिल्कुल ना यूंगी की ना कार्बन कॉपी थी। उसके बाद काफ़ी अच्छे से उनकी लाइफ सेटल रहे थे। उसके बाद जो जिमिन था वो अपने ना करियर को पशु करना चाहता था, वो बीच में ना उसने 5 मंथ्स के लिए ना अपने करियर को छोड़ दिया था, थोड़े टाइम के लिए मतलब स्किप कर लिया था उसने। उसके बाद फिर ना वो जिमिन ना यूंगी से कहते कि अभी मैं अपना करियर पशु करना चाहता हूँ, तो वो कहते कि ना मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद फिर ना जो यूंगी था वो अपने नीड्स को काबू नहीं कर पाता था, बट वो जब भी जिमिन के साथ ना अपने मेकआउट सेशन को करता था या फिर अपने नाइट सेशन को करता था तो हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करता था, ताकि जब वो फ्री हो सके, मींस अब भी वो नहीं चाहता था कि ना जिमिन सच में अपने ना फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम अपने करियर पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया, तो वो नहीं चाहता कि ना वो जिमिन के ना करियर में ना बीच में रुकावट बने। तो जिमिन भी ये बात समझता था कि उसका हस्बैंड उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखते, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपली लव में थे, और उनके जो बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा नोटिस थे जिमिन की तरह, दोनों बहुत ज़्यादा नोटी थे, और ना उन तो और ना यूंगी की तरह काफ़ी ज़्यादा क्लेवर थे, वो जानते थे अच्छे से कि ना कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी, और फिर ना यूंगी की तरह क्लेवर था कि यूंगी ने काफ़ी अपनी क्लेवरनेस से यूंगी को जिमिन को अपना बना लिया था, और इस तरह ना उनकी लव स्टोरी बहुत अच्छी से गुजरती है। और फिर अब हम देखते हैं कि ना 5 ईयर्स बाद का सीन, जहाँ पे अब जो जिमिन होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज वो अपने ना अब सेकेंड टाइम प्रेगनेंट था, और वो ना प्रेगनेंसी चाहता था, तो फिर ना यूंगी बहुत ज़्यादा खुश होता, और फिर यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। होप आप सबको अच्छी लगी हो, तो टाटा बाय बाय।